तो परिमिति अनुशीलनी 5F रो क्वेश्चन नंबर 3 रो समाधान पाखरु आरंभ करिबा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 रो प्रश्न अछि जे निम्न रे प्रत्येक क्षेत्र रे दुईटी लेखाए गोलकर व्यासर अनुपात बा व्यासार्धर अनुपात दिया जाइछि। तबे प्रत्येक क्षेत्र रे गोलक द्वयर आयतनर अनुपात एवं पृष्ठतलर क्षेत्रफलर अनुपात निर्णय कर, बुझिहेला ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 रे कहा जाइछि जे निम्न रे हमकु दुईटी गोलकर व्यासर अनुपात दिया जाइछि किंबा व्यासार्धर अनुपात दिया जाइछि, आमे कोन बाहर करिबा ना सही दुईटी गोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफलर अनुपात एवं आयतन बा घनफलर अनुपात बाहर करिबा, बुझिहेला ना। जेमति कि देखो बीट 1 प्रश्न रे कहा जाइछि जे दुईटी गोलकर व्यास द्वयर अनुपात हेउछि 3:4। मने करिबा प्रथम गोलकर व्यास हेउछि d1 एकक एवं द्वितीय गोलकर व्यास हेउछि d2 एकक, तेणु d1/d2 इज इक्वल टू 3/4। दुईटी गोलकर व्यासर अनुपात केते दिया जाइछि 3:4। आमे कोन मन कले एठारे ना प्रथम गोलकर व्यास को d1 एकक एवं द्वितीय गोलकर व्यास को d2 एकक बोली मन कले, बुझिहेला। तो d1/d2 इज इक्वल टू 3/4, बुझिहेला। आमे जानिछु जे व्यास हेउछि व्यासार्धर 2 गुण, व्यास व्यासार्धर 2 गुण, तेणु ए जो d1 अछि या जगह आमे लेखि परिबा 2r1। जदि प्रथम गोलकर व्यासार्ध r1 एकक एवं द्वितीय गोलकर व्यासार्ध r2 एकक हुए तबे आमे एमिति लेखि परिबा d1 इज इक्वल टू 2r1/d2 इज इक्वल टू 2r2 इज इक्वल टू 3/4। देख उभय लब आउ हररु आमे 2 को कैंसिल कर दे परिबा, तो हमको मिलिबो r1/r2 इज इक्वल टू 3/4। तो प्रथमे आमे कौन बाहर करिबा ना पृष्ठतलर क्षेत्रफलर अनुपात, तमे जानिचो गोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल केमती बाहरे, सूत्र हेउची 4πr² कौन सूत्र अछि 4πr², तेणु आमे कौन करिबा उभय पार्श्वरे वर्ग नै जिबा, r1/r2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 रो होल स्क्वायर, बुझिहेला ना। उभय पार्श्वरे वर्ग नै जिबा तो आमे पाइबा r1/r2² इज इक्वल टू 3² केते 9, 4² 16, बुझिहेला। वर्तमान उभय लब आउ हररे आमे 4π गुणन करिबा, कौन गुणन करिबा 4π। देख r1² अच्छी तो आमे लिखिबा 4πr1² डिवाइडेड बाय तले मध्य सेया करिबा 4πr2² देख उभय लब आउ हररे जदि आमे 4π को गुणन करूछे ताले किछि भी फरक पड़िबो कि किछि भी फरक पड़िबोनी, कहीं ना 4π आउ थरे कैंसिल हो जाइ परिबो पुणी रहिबो r1² / r2², बुझिहेला ना। तो उभय लब आउ हररे आमे एठारे 4π को गुणन करिबा त हमकु मिलिबो 9/16। देखो ये होउची प्रथम गोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल आ ये होउची द्वितीय गोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल, तो आमे लिखि दे परिबा गोलक द्वयर पृष्ठतलर क्षेत्रफलर अनुपात हेउची 9:16 केते 9:16। लेख दुईटी गोलकर बा गोलक द्वयर पृष्ठतलर क्षेत्रफलर अनुपात समान 9:16। तापर आमे कौन करिबा ना एही दुईटी गोलकर आयतनर अनुपात बा घनफलर अनुपात बाहर करिबा। देखो आमे कौन करिबा ना r1/r2 इज इक्वल टू 3/4 अछि, याकु लक्ष्य कर तो r1/r2 इज इक्वल टू केते अछि 3/4। तमे जानिचो गोलकर आयतन बाहर करिवार सूत्र कौन 4/3πr³ 4/3πr³, तेणु आमे एठारे कौन करिबा उभय पार्श्वरे घन नै जिबा r1/r2 रो होल क्यूब इज इक्वल टू 3/4 रो होल क्यूब, तो आमको कौन मिलिबो एठारे r1³/r2³ इज इक्वल टू 3 केते 3×3=27 4 केते 4×4=16 64। चलो ठीक अच्छे
एबे आमे कौन करिबा ना उभय लब आउ हर रे 4 बाय 3 पाई को गुणन करिबा तो देखिबा गुणन करिया फल रे कौन होउची 4 बाय 3 पाई आर 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 पाई आर 2 क्यूब लिखो 4 बाय 3 पाई आर 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 पाई आर 2 क्यूब इज इक्वल टू आर पाखरे कौन रहइबो 27 डिवाइडेड बाय 64 27 बाय 64 देखो ये होची हमर प्रथम गोलकर आयतन एवं तळे अछि हमर द्वितीय गोलकर आयतन तेंनु गोलक द्वयर आयतन रो अनुपात केते आसीबो 27 अनुपात 64 बुझियला तो एठरे हमें अतएव रे लेखिबा जे गोलक द्वयर आयतन रो अनुपात हेउची 27 अनुपात 64 बुझियला तो मोट उपरे हमें एठरे गोटे कथा लक्ष्य करू छे पृष्ठतळर क्षेत्रफळर अनुपात आसुची सेमानंकर व्यासार्ध द्वयर अनुपातर वर्ग एवं सेमानंकर आयतनर अनुपात आसुची सेमानंकर व्यासार्ध द्वयर अनुपातर घन बुझियला ना तेणु जदि दुईटी गोलकर पृष्ठतळर क्षेत्रफळर अनुपात मागिब तमे कोण करिवो सेमानंकर व्यासार्ध द्वयर अनुपातर वर्ग बाहर कर दबो से भाया जदि से आयतन घनफल अनुपात मागिब तुम्हें कौन कर व्यासार्ध द्वयर अनुपात घन बाहर करदेव बुझीला ना इजी ना ना चलो बर्तमान आम बीट टू आउ बीट थ्री प्रश्न समाधान करवा एबे देख बीट टू प्रश्न अच्छी दुईट गोलकर व्यासार्ध द्वयर अनुपात होनुपात तीन मान आर ओन डिवाइडेड बै आर टू इज इक्वाल टू एक बै तीन कहुई एम पार्श्वपृष्ठतर क्षेत्रफल अनुपात कौन आसब आयतनर अनुपात कौन आसब तो पृष्ठतर क्षेत्रफल अनुपात कौन करवा ना व्यासार्ध द्वयर अनुपात वर्ग नहीं जावा लेख पृष्ठतर क्षेत्रफल अनुपात समान आर ओन डिवाइडेड बै आर टू रोल स्क्वयर मान वन बै थ्री रोल स्क्वयर तो आमको मिल आर ओन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू रो स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय नाइन बुझेला तो उभय लबाऊ हर रे फोर पाई को गुणन कर तुम्हें पाइब फोर पाए आर ओन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाए आर टू रो स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय नाइन अर्थात पृष्ठतल द्वयर क्षेत्रफल अनुपात आसब एक अनुपात नौ एक अनुपात नौ बुझेला से भाया कहुई से आयतनर अनुपात बाहर कर आयतनर अनुपात जानापी कौन करवा ना व्यासार्ध द्वयर अनुपात घन नहीं जावा लेख आयतनर अनुपात समान आर ओन डिवाइडेड बै आर टू रोल क्यूब कौन आसब ना वन बै थ्री रोल क्यूब आमे पाइबा आर ओन रो क्यूब डिवाइडेड बाय आर टू रो क्यूब इज इक्वल टू वन बै 27 उभय लबाऊ हर रे 4 बै 3 पाई को गुणन कर आमे पाइबा 4 बै 3 पाई आर ओन रो क्यूब डिवाइडेड बाय 4 बै 3 पाई आर टू रो क्यूब इज इक्वल टू वन बै 27 तो आमे एठारे कौन पाइलु ना गोलक द्वयर आयतनर अनुपात हेउची एक अनुपात 27 केते आसीबो एक अनुपात 27 से भाया देख बीड थ्री प्रश्न आमको कहुई क्वेश्चन नंबर थ्री रीड थ्री कहुई जे दुईट गोलकर व्यासार्ध द्वयर अनुपात हेउची 2:5 माने आर ओन डिवाइडेड बै आर टू दि जाइए 2/5 कहुई से पृष्ठतर क्षेत्रफल अनुपात एवं आयतनर अनुपात बाहर कर तो कौन करवा पृष्ठतर क्षेत्रफल अनुपात जानापी से व्यासार्ध द्वयर अनुपात वर्ग करदे माने आर ओन डिवाइडेड बै आर टू रोल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 रोल स्क्वायर होमको मिल 4/25 तो पृष्ठतर क्षेत्रफल अनुपात आसब 4:25 बुझेगा एवं सेमानंकर आयतनर अनुपात कौन आसीबो ना व्यासार्ध द्वयर अनुपात घन माने आर ओन डिवाइडेड बाय आर टू रोल क्यूब आसीजीबो 2/5 रोल क्यूब दुई रन के 2×4×8 डिवाइडेड बाय 5 रन आसीजीबो 125 अनुपात आसीबो 8:125 बुझीला तो से ही दुईट गोलकर आयतन बा घनफल द्वयर अनुपात हो 8:125 बुझीला ना हलानी
चलो एथसत आम क्वेश्चन नंबर थ्री समाधान सरी जाइए देखा क्वेश्चन नंबर फोर रश्न कौन अच्छी एवं देख क्वेश्चन नंबर फोर रश्न अच्छी गोटे गोलकर आयतन होयानबे डिवाइडेड बै सात घन सेमिटर तेज यार पृष्ठतल क्षेत्रफल कौन हम आमको गोलकर आयतन व घनफल दि जाइए कहुचे गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर कर देख क्वेश्चन नंबर फोर समाधान करवा मन कर गोलकर व्यासार्ध हो आर सेंटीमीटर मन करवा जे गोलकर व्यासार्ध हो आर सेंटीमीटर ये आम गोलक यार व्यासार्ध को आम नहीं जीबा आर सेंटीमीटर लेख मन कर गोलकर व्यासार्ध समान आर सेंटीमीटर ताहले यार घनफल बा आयतन केमती बाहर ना फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब घन सेंटीमीटर लेख अतएव यार घनफल बा आयतन समान फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब घन सेंटीमीटर किंतु घनफल आमको पूर्वर दि जाइए केत दि जाइए ना सात सौ बयानबे डिवाइडेड बै सात घन सेंटीमीटर लेख सात सौ बयानबे डिवाइडेड बै सात घन सेंटीमीटर समान फोर बै थ्री पाए आर क्यूब घन सेंटीमीटर उभय पार्श्वर घन सेंटीमीटर को कैनसल कर आम कौन पाइबा ना सात सौ बयानबे डिवाइडेड बै सात समान फोर बै थ्री इंटु पाए जगह लेख बैश विभक्त सात गुणन आर क्यूब बुझीला बोथ साइड रो हर रु सात को कैनसल करदे आम पाइबा सात सौ बयानबे समान फोर बै थ्री इंटु ट्वेंटी टू इंटु आर क्यूब तो फोर बै थ्री आउ ट्वेंटी टू को तुम बाम पाक नहीं आस कौन पाइब ना सात सौ बयानबे गुणन होन हरण हो चार गुणन बैश चार गुणन बैश समान आर क्यूब बुझीला ना तो एगार काटा एगार दुणे हो बैश एगार सता सतस्तरी आउ रहा के बैश एगार दुणे बैश बास्तरी दुईरे काटा बास्तरी को के आस छतीस छतीस दुणे बास्तरी ना तापर चारे काट चार नुआ छतीस बाकी रहा नौ गुणन तीन नौ गुणन तीन समान आर क्यूब बा आम लिखिपर आर क्यूब इज इक्वाल टू नत्री सतैश तो देख ये जो क्यूब अच्छे आर पाक गले क्यूब रूट होमें पाइबा आर इज इक्वाल टू क्यूब रूट अफ सतैश सतैश घनमूल केसमिटर अतएव गोलकर व्यासार्ध होन सेमिटर बर्तमान आम कौन करवा ना गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करवा आम पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करवा सूत्र जाचु फोर पाए आर स्क्वयर वर्ग एकक लेख अतएव गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल समान फोर पाए आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर तो फोर जगह फोर लेख पाए जगह लिखा बैश विभक्त सात आर स्क्वायर माने तीन स्क्वायर के नौ वर्ग सेंटीमीटर तो देख ये तो किसी कटवनी बैश चौ अठाशी गुणन नौ डिवाइडेड बै सात वर्ग सेंटीमीटर अठाशी नुआ के आसब नौटा बास्तरी सात नौटा बास्तरी बास्तरी युक्त सात के सेवेन्टी नाइन सात सौ बयानबे विभक्त सात वर्ग सेंटीमीटर बुझीला तो गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल आसीगला सात सौ बयानबे बै सात वर्ग सेंटीमीटर बुझीला घनफल जी घन सेंटीमीटर थी पृष्ठतल क्षेत्रफल से वर्ग सेंटीमीटर आसीगला तो एथसत आम क्वेश्चन नंबर फोर समाधान सरी जाऊँगी देखा क्वेश्चन नंबर फाइव रश्न कौन अच्छी देख क्वेश्चन नंबर फाइव रुईट बीट अच्छी बीट वन प्रश्न में गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल दि जाइए आयतन मागिची बीट टू प्रश्न में गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल दि जाइए व्यासार्धर दर्घ्य मागिची तो बीट वन प्रश्न में कौन कहुच देख कहुच्चे गोटे गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल हो छह वर्ग सेंटीमीटर तेब से ही गोलकर आयतन निर्णय कर बुझीला ना क्वेश्चन नंबर फाइव बीट वन गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल दि जाइए छः षोह वर्ग सेंटीमीटर आम जानूँ गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करार सूत्र है
फोर पाए आर स्क्वायर तो फोर पाए आर स्क्वायर केते दिया जाए छी 616 फोर जगह फोर रहिबो पाए जगह बाईस विभक्त सात गुणन आर स्क्वायर समान 616 तो चारिटा आर पाक जाइकी कौन हो हरण होपाखे गुणन होर पाक गले हरण हो तो आम पाइबा बाईस विभक्त सात गुणन आर स्क्वायर समान 616 डिवाइडेड बाय चार चारे काटिबा चारिके चार एक चार पंचा कोड़े षोह चार चौ षोह शहे चौवन तो आम पाइबा आर स्क्वायर समान सातटा ऊपर को चल जीव बाईसटा तल को चल जीव तो आम पाइबा 154 गुणन होत हरण हो एगारे कटिज एगार दुणे बैश एगार के एगार एगार चौ चौरास दुई सत्ता चौद सत सत्ता अणपचास तो आर स्क्वायर समान अणपचास आर के आस आर इज इक्वाल टू रूट ओवर अफ अणपचास 49 रूट ओवर के आसन सेवेन सेंटीमीटर तो आर इज इक्वाल टू 7 सेंटीमीटर अर्थात गोलकर व्यासार्ध आसीगला 7 सेंटीमीटर कहा जाए गोलकर आयतन बाहर कर लिखा अतएव गोलकर आयतन आयतन बाहर करार सूत्र कौन 4/3 पाए आर क्यूब घन सेंटीमीटर 4/3 रहिला पाए जगह लिखा 22 विभक्त 7 आर क्यूब माने 7 रो घन 7 गुणन 7 गुणन 7 घन सेंटीमीटर तो 7 सहित 7 कैंसल हो गला आउ रहिला 22 चौ 88 गुणन 7 सत्ता 49 डिवाइडेड बाय 3 घन सेंटीमीटर बुझेगा ना तो 88 49 गुणन कले गुणफल केते आसीब तो 88 गुणन 49 कले आम पाइबा 4312 हरण 3 घन सेंटीमीटर 3 के 3 3 चौ 12 3 3 9 3 सत्ता 21 1/3 घन सेंटीमीटर तो यही गोलकर आयतन आसीब 1437 पूर्ण 1/3 घन सेंटीमीटर बुझेगा चलो बी टू प्रश्नर समाधान करवा बर्तमान बी टू प्रश्न कहुई गोटे गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल हो 5544 वर्ग सेंटीमीटर तेरे यार व्यासार्ध कौन हम बुझेगा पृष्ठतल क्षेत्रफल दि जाए 5544 वर्ग सेंटीमीटर आम केवल से ही गोलकर व्यासार्ध बाहर करवा देख पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करार सूत्र कौन 4πr² जोठे आर हो गोलकर व्यासार्ध बुझेगा तो देख गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल दि जाए आमको 5544 वर्ग सेंटीमीटर 4 जगह 4 लिखा पाए जगह लिखा 22 विभक्त 7 गुणन आर स्क्वायर समान 5544 तो 4 आउ 22 विभक्त 7 को आर पाक नहीं जाओ आम पाइबा आर स्क्वायर समान 5544 विभक्त 4 गुणन 7 डिवाइडेड बाय 22 बुझेगा तो देख एगारे कटिज एगार दुणे हो 22 एगार पंचा 55 एगार शून्य शून एगार चौ 44 चारे काटिबा चारे कटिले कौन हम चार के चार हो चार दुणे 8 24 4 6 24 2 रे काटो 126 को 2 6 12 2 3 6 63 तो 63 गुणन 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 गुणन 7 तो आम पाइबा आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 63 गुणन 7 63 रे 7 गुणिले आम केते पाइबा आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 441 441 रो रूट ओवर हेउची 21 तो आर इज इक्वाल टू 21 सेंटीमीटर अर्थात गोलकर व्यासार्ध हो 21 सेंटीमीटर बुझेगा तो एथी सहित क्वेश्चन नंबर 5 रो समाधान सरी जाइछि देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न अच्छी गोटे गोलकर घनफल हो 19404 घनमीटर यार समघनफल विशिष्ट एक अर्धगोलकर व्यासार्धर दैर्घ्य केते हेबो देख प्रश्न कहुई गोटे गोलकर घनफल हो 19404 घनमीटर धरा जा गोलक गोलकर घनफल आमको दि जा 19404 घनमीटर मन करवा गोलकर व्यासार्धर दैर्घ्य हो आर मीटर से भाया देख यही गोलकर घनफल सहित समघनफल विशिष्ट गोटे अर्धगोलक अच्छी ये हूँ अर्धगोलक
अर्धगोलकर व्यासार्ध को आम धरवा कैपिटल आर मीटर बुझीला यार घनफल मध्य हम 19,404 घनमीटर बुझीला कहीं एम घनफल सामान किंतु आम जाचु जो अर्धगोलकर घनफल बाहर करार सूत्र हो 2/3 पाए आर क्यूब घनमीटर बुझीला प्रश्नानुसार 2/3 पाए आर क्यूब इज इक्वाल टू 19,404 घनमीटर बुझीला ना। क्वेश्चन नंबर 6 रे लिख जे प्रश्नानुसार 2/3 पाए आर क्यूब इज इक्वाल टू 19,404 घनमीटर तो 2/3 रहिला पाए जगह लिखा 22 विभक्त 7 आर क्यूब इज इक्वाल टू 19,404 तो 2/3 आउ 22 विभक्त 7 को आर पाक फिंगी दियो आमे पाइबा आर क्यूब इज इक्वाल टू 19,404 गुणन हो जीवो 3 गुणन 7 हरण हो जीवो 2 गुणन 22 22 रे काटिबा आमे पाइबा 882 2 रे काटिबा आमे पाइबा 441 तो आर क्यूब इज इक्वाल टू 441 गुणन 3 गुणन 7 आर बाहर आमर क्यूब रूट अफ 441 गुणन 7 3 के 21 तो आम पाइबा आर इज इक्वाल टू क्यूब रूट अफ 441 बदल में तुम लिख 21 गुणन 21 21 स्क्वायर हो 441 ना तो 21 गुणन 21 गुणन 21 आम पाइबा आर इज इक्वाल टू 3टा 21 रु गोटे 21 बाहर को बाहरी आस 21 सेंटीमीटर अर्थात अर्धगोलकर व्यासार्धर दैर्घ्य हो 21 सेंटीमीटर बुझीला तो एथि सहित क्वेश्चन नंबर 6 रो समाधान सरी जाइछि आज रो क्लास को आम ये रखा धन्यवाद।